ट्रैकिंग कर रहे हैं हम। ये हमारा टेंट था, ये सुंदर से गार्डन में हमने अपना टेंट लगाया। तो अभी हम पुरने से निकले हैं, पादुम के लिए जा रहे हैं। पादुम का जो यहाँ से रास्ता है वो है 2-3 आवर्स का है। किलोमीटर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 105 किलोमीटर भी बोल रहे थे तो अभी मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, तो मैं वैसे आपको बता दूं। तो उसके बाद हम फिर यहाँ से कल हम पादुम से डाउनवर्ड नीचे। तो एक तो यहाँ पे ना कोई बोर्ड नहीं है, वो उससे बड़ा प्रॉब्लम होता है। लंबे मोड़ कट्टे करो, एक ये यहाँ पे जो रेत होती है ना वो भी बड़ा तंग करती है हमें। आप मेरे हाथ देखोगे फर्स्ट वाले वीडियो में, देखना यही यही है। तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो जो देखोगे उसमें हाथ कितने साफ थे, अब कितने टैन हो गए। सो ये यहाँ पे दो नदियों का संगम हुआ हुआ है, एक का पानी नीला है और एक का ब्लू है। तो जो ये पीछे से नदी आती है उसको कारगियाक रिवर बोलते हैं, जो शिंकुला के जो ग्लेशियर है वहाँ से पानी आता है। ओ ओ आराम नाल कटो। ये रही रिवर, ये आपको एक ब्राउन दिख रही होगी लेकिन सन बहुत ज़्यादा शाइन में है, तो और एक ब्लू है, ये दोनों यहाँ पे संगम है। एक ये और यही जो दूसरी रिवर है वो ब्लू रिवर, उसका पानी तो उसका पानी आता है सारचू से, और विंटर्स में ये सब जम जाती हैं। तो विंटर्स में ये सब रिवर जम जाती हैं। ये रोड बड़ा गंदा है, मुझे बाइक एक तो लोडिंग इतना ऊपर से, जब मैं ब्रेक लगा रहा हूँ तो स्किट मार रहा है क्योंकि इन्होंने सीधा ही पत्थर बिछाए हुए हैं भाइयों ने और ये देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है, एक ब्राउन रिवर है और एक ब्लू, इन दोनों का संगम। बाद में ये आगे जाके रिवर जंस्कर रिवर में मिल जाती हैं। ये जंस्कर रिवर की ही सहायक नदियाँ हैं। काफ़ी मुश्किल रास्ता, अगर ऐसा ही रास्ता आगे हुआ तो भाई लगने वाले हैं, पता नहीं आज बैलेंस सही नहीं बन रहा है। इधर की तरफ से देख एक बार, थोड़ी देर में बनता है, अभी वार्म अप नहीं हुआ मैं। आज पैदल भी बहुत चला हूँ, 8 किलोमीटर के नियर जो फुक्तल मोनेस्ट्री हो गई है, आना जाना 16 किलोमीटर वो करके आए हैं, और अब 105 किलोमीटर के नियर ये पादुम जाएंगे। पादुम इसलिए जा रहे हैं, एक तो आज मंडे के बाद हमने घर बात नहीं की, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, आज वेडनेसडे हो गया, 3 डेज हो गया। सो आज सोचा है कि नेटवर्क में तो आना ही आना है, वरना घर वाले बहुत चिल्लाने वाले हैं इस बार, उन्होंने बोलना है कि भाई क्या है। अच्छा है, सोच फिक्र रहती है सभी को। कल हम ये रिवर नीचे तक घूम के गए थे, ऐसे वो होम स्टे है जहाँ पे हम रुके थे, तो ऐसे अब ये घूम के आना होता है। अभी एक ये ब्रिज आया है, बड़ा ही पुराना ब्रिज है अभी। सो
जंस्कर बिल्कुल ही वर्जिन है, लाइक ना तो यहाँ पे चाइना का बॉर्डर लगता है ना ही पाकिस्तान का। आप देखिए क्या बात है। सो इसीलिए यहाँ पे रोड्स भी बहुत ही कम है, इसीलिए जो कुछ तो ये भी बोलते हैं कि ये सेकंड प्लेनेट ऑफ द वर्ल्ड है, लाइक यूनिवर्स ही बोलोगे आप, सेकंड प्लेनेट, द सेकंड प्लेनेट जंस्कर भी बोलते हैं इसको। और इधर ना इलेक्ट्रिसिटी है और ना ही कोई नेटवर्क है, तो बड़ा जो मैंने अपने चार्जिंग है वो कैसे की है, वो मैंने बाइक के साथ ही की है। जैसे बाइक अब चलाऊंगा तो कुछ ना कोई गैजेट्स मैं उसको चार्जिंग पे लगा के छोड़ देता हूँ, एक आधा हो जाता है तो वो मेरे लिए एनफ होता है। इन पत्थरों पे अगर एक बार मोशन टूट जाए ना तो बस फिर बनाना बड़ा मुश्किल होता है। एक तो टोटली ही रेत है, ये देखिए कि कैसे स्किप कर रहे हैं बाइक के, आप देख रहे हैं। रास्ता काफ़ी ऑफ रोड है भाई, अगर लेके आओ यहाँ पे 4x4 लेके आओ या ऑफ रोडिंग के बाइक लेके आओ, नॉर्मल बाइक्स और नॉर्मल कारें यहाँ पे नहीं चलने वाली भाई, वो यहीं पे खड़ी हो जाएंगी, यहीं पे बेच के जानी पड़ेंगी आपको। काफ़ी गंदा रोड है, जो 4 व्हीकल होता है उसका बैलेंस बन जाता है, 2 व्हीलर में थोड़ा बैलेंस बनाना इजी नहीं होता। और अब आगे भाई ये क्या आ गया हैं, सेंटर वाले जैसे ज़्यादा रेत है, एक तो ये हैं ये भी ठीक है ना, हाँ ए ठीक है, ए ज़्यादा लंबा हो जाएगा हैं, उसके बाद वो ऊपर जाना है। चलो चलते आराम नाल कर दें, मैं इधरों कर दें पहले तो। सो अब ऐसे यहाँ पे जब आप रोड्स देखते हो लगता है मिट्टी थोड़ी नरम है, बाइक लोड ले रहा है, हवा भी मेरे तरफ की है, बाइक पूरा जोर मार रहा ये ठीक है, ये ज़्यादा शॉर्टकट हमें ठीक नहीं रहेंगे, ये 4x4 के लिए ठीक है भाई, अभी बहुत दूर जाना है, बाइक को इधर कहीं बंद नहीं करना है फिर। मिट्टी भी है, रेत भी है, काफ़ी ही मिक्सचर है रोड का। वो तो बोलते थे जो पूरने वाले, कहते रोड साफ है, अब ये साफ दिख रहा है मुझे रोड, क्या बात है, फुल ही रोड पे रेत ही रेत। भाई अगर किसी को ऑफ रोडिंग करनी है ना, कहीं बोलते हैं या ऑफ रोडिंग ये वो, अरे भाई आ जाओ इधर, ऑफ रोडिंग ही है सारी, 400 किलोमीटर के नियर का है ये सारा, आपको ऑफ रोडिंग ही ऑफ रोडिंग मिलेगी इधर।
भाई का बाइक किधर आ गया? ओह माय गॉड, मेरा सेकंड बाइक वापस नहीं आया। और मुझे ये कि एक बार मोशन टूट गया, नहीं वापस आया, वो जाना पड़ेगा देखना, यहीं पे साफ रहा भाई वापस नहीं आया। अरे भाई हैं आ रहा भाई। देखो इन ऑफ रोडिंगों पर एक दूसरे का साथ ही काम आता है। काफ़ी रहता है, आप देख रहे हैं वो नीचे पूर्णे हैं, वो सामने जहाँ पे ग्रीन दिख रहा है ऐसे रोटेट करके आए हम। तुसी आगे चलो, आप आगे चलो, तो ये 350-800 बार तो इनको आगे रहने को बोला, ठीक है। ये तो हिमालयन, आपको पता ही है हिमालयन का तो हिमालयन तो भाई हिमालयन है इसके लिए तो ये तो मैंने इस पर इतना सामान कैरी किया हुआ, वरना ये तो बोलती है भाई खड़े होकर नहीं चलाएगा तू काफ़ी ही रेता है रोड पे, रेत ही रेत है बिल्कुल ही, सैंड। उसी की वजह से क्या होता है, बाइक का ना बैलेंस नहीं बन पाता। ये देखिए, ठीक है बाइक जोर लगा रही है, सब कुछ कर रही है, पर रेत के साथ इनबैलेंस हो जाता है बार बार। ये देखो आप, और मुझे तो यही पता नहीं रेनी सीज़न में यहाँ पे क्या होता होगा, ये तो रोड बिल्कुल ही ख़राब हो जाते होंगे। हम बिल्कुल ही टॉप पे आ गए हैं, जो पूर्णे है वो बिल्कुल ही बॉटम पे है। कल भी पहले ही हम ऐसे हाइट पे चढ़े, फिर डाउनवर्ड आए, फिर देखा अरे ये क्या, ये भी शॉर्टकट है। पर भाई ये गंदे वाला शॉर्टकट मुझे नहीं करना है, मैं प्यार मोहब्बत से जाने वालों में से हूँ, यहाँ पे मुझे फंसना नहीं है। ये बिल्कुल स्लोप बनाया हुआ है, ये शॉर्टकट नहीं है, ये तो मौत के मुँह में, मौत के मुंह में डालने वाली बातें होती जाती हैं। एट द टॉप, अरे अरे क्या आप बात है, दिस इज़ द व्यू। मैं आज थोड़ा ड्रोन नहीं उठा रहा क्योंकि यहाँ पे जो वाइंड है ना वो तो बहुत ही हाई है, आप अगर सुन ही रहोगे मेरी आवाज़। ओए होए 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 क्या व्यू है भाई, यहाँ पे तो फोटो बनती है, है? यहाँ पे एक फ़ोटो बनता है, क्या बात है। यहाँ पे एक फ़ोटो बनता है, यहाँ पे सामने बर्फ के पहाड़ हैं और ये मैदान का इलाका है। रियली मैं इस ब्यूटी को देख देख के पागल हुए जा रहा हूँ। तो अभी मुझे लगता है नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, पहले आप हाइट पे आओ, वही है सेम। ये दिख रहे हैं आपको, ये भी भाई यहाँ के घाटा लूप है, ठीक है आपको 21 घाटा लूप का पता होगा, पर ये भी इधर के घाटा लूप है, वो हमें नीचे जाने लगता है। छीछम पत्नी इच्छर कुछ ऐसे बता रहे थे नहीं।
जियो का टावर देखने को मिला है। बोल रहे थे वो रास्ते में आएगा, बट यहाँ पे रेंज है या नहीं वो अभी नहीं पता। काफ़ी सुंदर है इधर तो। रुको रुको रुको, हेलो कैसे हो? हेलो क्या नेम है आपका? तेंजिन। पहले आप बताओ आपका आपका आज स्कूल नहीं गए? अच्छा छुट्टी चल रही है, खेल रहे हो यहाँ पे? ठीक है फिर बाय। हैं देख लो, अच्छा है आपको, अच्छा लगा? ठीक है थैंक यू। यहाँ पे थोड़ा ग्रीनरी देखने को मिला। मिट्टी ही बहुत है, मिट्टी तो इतना है पूछो मत। इधर से कारें आ रही हैं तो पहले हॉर्न बजाना पड़ता है, क्योंकि इधर की तरफ तो स्पेस ही नहीं है, उधर की तरफ ही जाना पड़ेगा मुझे। एक्चुअली अगर इधर गुड होता है तो इधर की तरफ चलना पड़ता है, अब जैसे इधर अब अच्छा आ गया तो इधर की तरफ चलते हैं। इधर ग्रीनरी काफ़ी है। वो हमारा दूसरा बाइक आगे चला गया है। अब हाइट आ गई है, वो एरिया काफ़ी सुंदर है। अब ये जो विलेज आया है ये आया है मुझे पादुम के बीच में है, मुझे नाम नहीं पता लेकिन देखना कितना सुंदर ब्यूटी है। रोड बस काफ़ी गंदे हैं, रोडों का तो आप पूछे मत। जो मेरी स्पीड है वो है 10 से लेके 20 किलोमीटर, मीन्स मैं 20 किलोमीटर की स्पीड पे ही चला रहा हूँ बस, और पहले या दूसरे गियर में सारा रास्ता।
पादुम पादुम है। हाँ आज ही दो, हाँ आज आए हम, नहीं आज आए हम पुणे से, पुणे से ही आए। हाँ आज हम पहले कल डारचा से कारकियाक, कारकियाक से फिर पुणे, पुणे से इधर। वो पादुम कितनी दूर रह गया? 23 किलोमीटर रह गया। ये गांव कौन सा है? रारू। हाँ जी रारू, रारू, रारू। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है ना? इलेक्ट्रिसिटी नहीं, ये फंक्शनल नहीं। ओके, मेरी वहाँ तो रास्ते में कहीं नो नेटवर्क और नो इलेक्ट्रिसिटी। पादुम में आएगा ना? ओके जी, थैंक यू। ओके। तो अभी हम राडू से निकले हैं, राडू। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सभी के लिए नहीं है। ये विलेज काफ़ी सुंदर है, उधर क्या सनसेट का व्यू है भाई। ओए होए होए हो, वो ग्लेशियर सामने, इधर भी ग्लेशियर, नाइस। रारू विलेज, तो मैं अभी कोई गीले पानी का रिस्क नहीं उठाना चाहूँगा, तो भाई बड़ी मुश्किल से शूज सुखाए हैं मैंने।
यहाँ पे फंस गए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेट मेरे वोल्टेज है ना, लोड बहुत ज्यादा होया पे है, साला तस जाता है जिथे भी लगता है। तो अभी हमें नहीं पता पानी का फ्लो कितना है, तो हम चेक करने जा। हाँ हाँ मेरा नंबर है, शूज़ मैंने गम बोर्ड डाले ही रखे हैं। आजा आजा वाटर क्रॉसिंग भी होगी। पानी का फ्लो तेज था। जब भी रात को कोई वाटर क्रॉसिंग करो तो सबसे पहले भाई बेवकूफ़ी नहीं करनी है कि ऐसे सीधा पानी में डाल दो, पहले जाके चेक करके आओ कि वहाँ के रेंज क्या है, कोई डीप तो नहीं है, कोई पत्थर तो नहीं तंग करेगा, वरना रात में फंसे रहोगे, बताने वाला कोई होएगा नहीं, निकालने वाला कोई रहना नहीं।